बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, जिसे आप यूपी पैट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पैट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से 1 का करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 पूछा है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 का सी हो जाएगा, कोश। कोश शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त होता है और बाकी जो 3 शब्द हैं ये परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे। कुल परिवार का भाग है, वंश भी परिवार का भाग है और गोत्र भी परिवार का भाग है, जबकि कोश का अर्थ खजाने से लगाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया। तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद यानी जिसे आप कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, तो यह कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ का संबंध जो है वो चंद्र नामक शासक से है। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्र कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर हम डी आंसर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक विभाग जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जानते हैं की स्थापना की। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आप खुद से भी आंसर करते जाइए। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में प्रवेश किया, इन्होंने जो फैक्ट्री थी उसे खोलने की अनुमति जहांगीर से मांगी 1613 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास या शॉर्ट फॉर्म में इन्हें हम रामदास कहते हैं, इनका नाम था। गुरु रामदास ने अपने संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े भी स्थापित किए। तो इस तरह से शिवाजी के गुरु का नाम पूरा नाम समर्थ रामदास था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, 1870 के दशक में बंबई सचिवालय का अभिकल्प यानी डिजाइन किसने तैयार किया। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एच सेंट क्लियर विल्किंस ने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। इनमें से आपको फाइंड करना है कौन सा इसमें कारण था। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का
कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इस कारण भारत में भारी उद्योगों का अभाव था। करेक्ट आंसर यहाँ पर 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यहाँ पर 10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का शुभारंभ हुआ। बेगम हजरत महल को ही बेगम ऑफ अवध के नाम से जाना जाता है। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में ये आगे बढ़ा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर 11 की बात करें तो 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में की गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का डी, झांसी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, कश्मीर का कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरोवरी। 12 की बात करें तो करेवास सरोवरी निक्षेप से निर्मित मृदा है जो डोडा जिले के कश्मीरी या कश्मीर घाटी में पाई जाती है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसके कई सारे आंसर दिए हैं, ए बी सी डी और ई भी दिया है, जिसमें ई आपका कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, और ऑब्लिक में एक और दिया है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें ई आ जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी बागमती, कमला, कोसी, गंडक, इसके साथ ही बूढ़ी नदी, ये सभी नदियाँ आ जाएंगी जो कि नदियों का समूह नेपाल में उत्पन्न होती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी यानी एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभयारण्यों रिजर्व का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो यहाँ पर 14 का आपको सही अनुक्रम बताना है, इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में। इंद्रावती की बात करें यानी इंद्रावती नेशनल पार्क की, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं हम बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस तरह से यह उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 15 की बात करें तो 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहाँ यह हो, इनमें से क्या हो आपको बताना है। तो यहाँ पर 16 की बात करें तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सीमांत उपयोगिता, उसके बाद कीमत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीमांत उपयोगिता की, इसको समझ लेंगे थोड़ा, सीमांत उपयोगिता क्या है? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, तथा किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक होती है तो उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर डी हो गया, जिसमें हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में समझा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, व्यापार चक्र में होते हैं कितने चरण होते हैं, आपको इसमें से बताना है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम व्यापार चक्र की बात करें तो आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, रोजगार आदि में होने वाले चक्रीय उतार चढ़ाव को हम व्यापार चक्र कहते हैं। और इसमें चरण पूछा है तो आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर जो होगा वो है आंसर नंबर डी, चार चरण होते हैं। चार चरण में पहला होता है आपका रिकवरी, दूसरा होता है बूम, तीसरा होता है रिसेशन और चौथा होता है डिप्रेशन। तो इस तरह से इसके चार चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 18 की बात करें तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कंप्यूटर और प्रिंटर। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें संयुक्त मांग किसे कहते हैं, तो जब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे क्रिकेट और बॉल, ब्रेड और बटर आदि। दिए गए विकल्प में से कंप्यूटर और प्रिंटर सही विकल्प है क्योंकि दोनों वस्तुओं की आवश्यकता एक साथ होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पर 19 की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, 20 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का अध्यक्ष कौन था, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जे बी कृपलानी है, ठीक है। और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सभी के बारे में समझा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो यहाँ पर 21 की बात करें तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित किया। इस तरह से 21 का करेक्ट आंसर बी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सेकंड है आपके लिए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे अगर हम बात करें संविधान सभा की। तो यहाँ पर आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये पूछा है आपसे प्रश्न। तो यहाँ पर 23 की बात करें तो 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का वर्णन है। ये अनुच्छेद नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर 23 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है। तो यहाँ पर 24 की बात करें, 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है या न्यायपालिका है। संसद द्वारा बनाई गई विधि में मूल अधिकार का हनन हुआ है या नहीं, इसका पुनरीक्षण उच्चतम न्यायालय करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इस तरह से डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 पूछा है, टेस्ला चुंबकीय की इकाई है, इसमें से आपको फाइंड करना है कि टेस्ला किसकी चुंबकीय इकाई है। तो यहाँ पर 25 की बात करें तो 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। यह SI मानक में अभिव्यक्त है वर्ष 1900
1960 में वैज्ञानिक निकोल टेस्ला ने इस इकाई को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 25 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।